हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन के लिए हमने तीन फंक्शंस लिए मॉडलस फंक्शंस सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे तो ये क्लास एलेवेंथ के सिलेबस में है एन में लेकिन ये तीनों फंक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर जगह किसी भी लेवल पर इनको पढ़ना पड़ता है और इनके ग्राफ्स बहुत काम आते हैं कंपटीशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसलिए मेरी सलाह एलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों क्लास के बच्चों के लिए है कि इसको ज़रूर देखें और इसको पढ़ें और याद रखें कि मॉडलस फंक्शन क्या होता है इनकी डोमेन एंड रेंज क्या है इसी तरह से इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे ये आज हम डिस्कस करेंगे इससे पहले हम दो फंक्शन और पढ़ रहे हैं शुरुआत में आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स ये आप पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स का मतलब होता है कि अगर ये दो सेट हैं तो किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर उसी पर ही बनती है तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं इसका एफ एक्स को अगर हम वाई ले लें तो वाई इक्वल टू एक्स ये बन जाएगा और इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो एक टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं एक्स एंड वाई माइनस वन माइनस टू जीरो वन टू अगर एक्स माइनस वन है तो वाई भी माइनस वन एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जीरो एक्स वन है तो वाई भी वन एक्स टू है तो वाई भी टू और इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा वन टू थ्री सपोज़ ये एक्स एक्सेस है और ये बाई एक्सेस है माइनस टू माइनस वन माइनस टू एंड सो पहला पॉइंट माइनस वन वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन वन ये फर्स्ट पॉइंट मिला माइनस टू टू सेकेंड पॉइंट होगा यहाँ और यहाँ जीरो थर्ड पॉइंट फिर वन वन फिर टू टू ये वन है टू है एन वन टू 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 एन सो अगर इन सभी को हम ज्वाइन कर दें तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी इसको आप ज्वाइन कर दीजिए चूंकि ये रफली बनाया है आप जो पेंसिल और रबर से इसको बनाएंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट वन वन पॉइंट टू टू, टू समवेरियर सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन बाई इक्वल टू एक्स ये इक्वली इंक्लाइंड होता है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से इसलिए ये एंगल 45 डिग्री होगा इसकी डोमेन क्या होगी आपने देखा कि एक्स की सारी वैल्यूज आप देखेंगे ग्राफ को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों तरफ है और इसलिए हम ये कहेंगे कि इसकी डोमेन आर सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ माइनस इनफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होंगे और बाई में बाई में भी ऊपर ये पॉजिटिव साइड जा रहा है और नीचे नेगेटिव साइड भी है तो रेंज भी इसकी सेम होगी रेंज भी आ रहा रही सो दिस इज समथिंग अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन अब एक फंक्शन और हम डिफाइन कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे ये तीन फंक्शन जो मेन हमें पढ़ना है तो कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज ईक्ल टू सी क्या है कोई भी कांस्टेंट है अगर इसको हम बाई ले लें तो बाई इक्वल टू तो कॉन्स्टेंट मान लीजिए यहाँ ये कांस्टेंट सी है और एक्स की कुछ भी वैल्यू यहाँ तो एक्स है ही नहीं यानी आप वाई की सी है एक्स की कुछ भी वैल्यू लें हमेशा सी आएगा कांस्टेंट यानी इसका ग्राफ होगा इट इज़ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस दिस इज एक्स एक्सेस दिस इज बाई एक्सेस एंड इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम यर कि एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर कुछ भी हो आप देखिए हर बार बाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आ रही है और वो क्या है सी है यानी एक्स माइनस इन्फिनी से प्लस इन्फिनी की तरफ है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखें माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, वो बाई सेम आएगा तो डोमेन तो इसका आर हो गया सेट ऑफ रियल वैल्यूज और रेंज क्या होगी इक्वल टू सी ओनली कॉन्स्टेंट आ डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यूज तो इनपुट वैल्यूज हम कुछ भी रखें एक्स की y हमेशा कांस्टेंट आता है और रेंज मींस आउटपुट वैल्यू तो आउटपुट वैल्यू इज ऑलवेज सी है तो रेंज इज सी सो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन नाउ लेट अस कम टू अवर मेन पॉइंट दैट इज मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन एफ इक्वल टू मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉड एक्स का मीनिंग क्या है मॉड एक्स है ये एक्स इसकी वैल्यू एक्स आएगी अगर एक्स पॉजिटिव है या जीरो है और यही माइनस एक्स आएगा अगर एक्स नेगेटिव है इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें जैसे मॉड एक्स इक्वल टू एक्स एक्स इज़ पॉजिटिव इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव है या ज़ीरो है तो जो वैल्यू अंदर रखी है वही बाहर आ जाएगी जैसे फाइव पॉजिटिव है तो फाइव आएगा एलेवन पॉजिटिव है तो एलेवन आएगा जीरो का जीरो ही आता है नाइन का नाइन ही आएगा माने जो पॉजिटिव नंबर है वही बाहर आ जाएंगे फिर इसमें आगे कहा गया है कि अगर एक्स नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब अगर एक्स नेगेटिव है फॉर एग्जांपल माइनस फाइव तो जो रिजल्ट आएगा माइनस फाइव का माइनस आएगा दैट इज़ प्लस फाइव माइनस सेवन है तो इसका भी नेगेटिव नंबर बाहर आएगा दैट इज़ सेवन तो इस तरह से जो आउटपुट क्या होगा इसमें एक्स की जो वैल्यू है चाहे आप नेगेटिव रखें नेगेटिव रखेंगे तो भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव है ही तो यानी इनपुट तो हम एक्स नेगेटिव पॉजिटिव या ज़ीरो कुछ भी रख सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा हमें पॉजिटिव भी मिलेगा तो हमें पता है कि इनपुट का मतलब क्या होता है इनपुट का मतलब होता है डोमेन तो डोमेन यहां से यह क्लियर हुआ कि हम कुछ भी रख सकते हैं माने सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑल रियल वैल्यूज अगर इसको और क्लियर करें ऑल रियल वैल्यूज लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा पॉजिटिव रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा और नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा तो रेंज में आउटपुट वैल्यू देखते हैं वो होती है आर प्लस मीन्स नेगेटिव नंबर आई नहीं रहा तो ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन नॉन नेगेटिव ये हमें डोमेन और रेंज के बारे में बता रहा है अब इसका हम ग्राफ खींच के और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे मान लीजिए ये फंक्शन है ये ओरिजिन वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू minus 3, 1, 2, 3 here also minus 1, minus 2, minus 3 and so on. So, y equal to mod x, this is also equal to x for x greater than and equal to 0. So, Matlab अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसके लिए जो ग्राफ हमें खींचना है बाई इक्वल टू एक्स अभी हमने आइडेंटिटी फंक्शन में इसका ग्राफ खींचा भी था वो स्ट्रेट लाइन आई थी इस तरह से 45 डिग्री पर ये इंक्लाइन थी एक्स एक्सेस से लेकिन नेगेटिव हमने नहीं लिया क्योंकि इसमें अभी हमने एक्स पॉजिटिव लिया है और हमें मालूम है कि नेगेटिव पर इसकी वैल्यूज़ या थोड़ी देर के लिए समझ लें कि हम सिर्फ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं तो वो ये है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स अब एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रखते हैं माने अगर एक्स को नेगेटिव भी कर दें तो भी वाई पॉजिटिव आएगा तो इसका ग्राफ ये होगा इसको हम खींच के भी देख लेते हैं यानी बाई नेगेटिव नहीं है इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे ग्राफ में टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं एक्स और वाई कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री एक जीरो भी ले लेते हैं अब आप देखिए एक्स इक्वल टू माइनस वन है एक्स इक्वल टू माइनस वन है तो इसका माइनस बाहर आएगा यानी वन होगा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आने है मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉड माइनस वन भी वन ही के बराबर होगा तो वाई कितना हो गया वन वाई इक्वल टू मॉड माइनस वन वन तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा दिस पॉइंट फिर माइनस सॉरी माइनस वन एक्स इज इक्ल टू माइनस वन ई मीन्स दिस साइड फिर x इक्वल टू माइनस टू पर भी बाई टू है तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें समवेयर ईयर और माइनस थ्री पर ये माइनस थ्री है थोड़ा इसको स्केल से जब आप बनाएंगे तब तो और क्लियर होगा माइनस थ्री तो इसका ग्राफ ये जो इस साइड लाइन है यहां भी देखिए वन टू थ्री ये एंगल भी साइड फोर्टी फाइव डिग्री है तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि इसका जो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो सारी पॉजिटिव ही आएंगी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है यानी ग्राफ नीचे नहीं है वो डोमेन और रेंज से भी क्लियर हो रहा है डोमेन का मतलब है इनपुट वैल्यूज़ यहाँ इनपुट मीन्स एक्स की जो वैल्यू हम रख सकते हैं एक्स की वैल्यूज़ हम क्या रख सकते हैं माइनस से लेके प्लस तक या इसको कह सकते हैं माइनस इन्फिनी से प्लस इन्फिनिटी तक ऑल रियल वैल्यूज़ हम इसको रख सकते हैं तो वो हो गई इनपुट वैल्यूज जो कि डोमेन कहलाएगी ऑल रियल वैल्यूज़ अब रेंज क्या होती है आउटपुट वैल्यू जब हमने एक्स कुछ भी रखा नेगेटिव या पॉजिटिव तो ये बता रहा है कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ पॉजिटिव होगी पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ यानी बाई इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए ग्राफ ऊपर आ रहा है इसलिए रेंज जो कि आउटपुट वैल्यू है हमने लिखा ऑन ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव आएंगे ये y की वैल्यू है ग्राफ नीचे नहीं है इसका मतलब y नेगेटिव नहीं है यानी अफेक्ट इजिकल टू बाई रखें तो बाई नेगेटिव नहीं है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्लियर हुआ कि अफेक्ट्स इज एकल टू मॉड एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस और इसकी जो डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड रेंज ऑल नेगेटिव रियल ऑल यहाँ नेगेटिव गलत लिख दिया है all non ah, right right non negative non negative means negative values nahi aayenge kyunki graph niche nahi hai ab next hai signum function एक चीज और है अगर मान लो हम आपसे ये पूछें मॉड एक्स ऑफ मॉड एक्स ये कितना होगा ये mod एक्स होगा और इसकी वैल्यू मॉड एक्स को जैसे हम डिफाइन करते हैं वही होगी इसका रीजन है अगर आप मान लीजिए एक्स इजिकल टू माइनस फाइव रखें तो क्या आएगा माइनस फाइव का mod फाइव और फाइव का mod क्या होगा फाइव इसलिए अगर कहीं डबल मॉड वाला केस भी आ जाए तो इसका मतलब सिंगल मॉड ही है कोई डिफरेंस नहीं है नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन तो डिफाइन कैसे करते हैं एफेक्स इज इक्वल टू अगर हम इसको सिग्नम फंक्शन लिखें तो एस जी एन लिखेंगे हम एस जी एन मीन्स सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इट इज डिफाइंड एज वन जीरो माइनस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये वन होगा एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो होगा और x लेस देन जीरो है तो ये माइनस होगा ये सिग्नम फंक्शन का मीनिंग है अब इसको ग्राफ से और समझने की कोशिश करें x पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव पर वन आता है तो यह हम ये ऐसा भी कह सकते हैं एफ एक्स को अगर हम वाई ले लें लेट एफ एक्स इज एकल टू वाई तो वाई इजिकल टू वन आएगा जब एक्स पॉजिटिव होगा तो पहले हम इसका ग्राफ खींच लें वाईकल टू वन एक्स पॉजिटिव मैंने एक्स की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव इस साइड है एक्स ये एक्स एक्सेस है और पॉजिटिव इस साइड है तो वाई की वैल्यू वन है और एक्स की पॉजिटिव वैल्यू क्या कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि अभी कांस्टेंट फंक्शन में आपने ये लाइन खींची थी बिल्कुल ये वही है इसको आप चाहें तो थोड़ा और क्लियर करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे क्लियर हो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पैरल टू एक्स एक्सेस ये जो लाइन है ये क्या है बाई इक्वल टू वन यहाँ पर वन है लेकिन इक्वल टू वन एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स की जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव वैल्यूज उन सब के लिए है एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ बढ़ रही हैं राइट right साइड में माने चाहे एक्स वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो चाहे फोर हो कितना भी हो अब टू प्लस इन्फिनिटी तक बाई हमेशा वन ही आएगा वन थिंग मोर x इक्वल टू ज़ीरो के लिए नहीं है ये केवल x ग्रेटर देन जीरो के लिए है इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है मतलब यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा वो हॉलो होगा बिल्कुल हॉलो ये शो करता है कि दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लाइन एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वाई इक्वल टू वन एक्स पॉजिटिव के लिए दूसरा फिर इक्वल टू जीरो पर जीरो है इक्वल टू जीरो पर जीरो का मतलब ये हुआ कि ग्राफ का एक पॉइंट आपको ये भी मिल गया ये हॉलो नहीं है क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो ओरिजिन है जीरो टू जीरो फिर एक्स लेस देन जीरो यानी एक्स अगर नेगेटिव है किस साइड नेगेटिव है इस साइड यहाँ माइनस इनफिनिटी से चलता है जीरो से चल के माइनस इन्फिनिटी इस साइड नेगेटिव है और जब एक्स नेगेटिव है तब भी बाई वन है अगर हम यहां से लिखें एक्स नेगेटिव है तब भी बाई कितना है माइनस वन है एक्स नेगेटिव है तब वाई कितना है माइनस वन तो माइनस वन वाली लाइन आपको इस तरह से खींचने पड़ेगी और क्लियर इसको हम स्केल की हेल्प ले लेते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा जस्ट इज लाइक दिस अब इसमें फिर वही बात है एक्स लेस देन जीरो है इक्वल टू जीरो नहीं है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें पता है कि जो बाई एक्सेस है उस पर एक्स जीरो होता है और एक्स जीरो है भी नहीं तो ये एक हॉलो पॉइंट बनता है हॉलो का मतलब होता है कि यहाँ ये पॉइंट इस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है इसको आप अच्छे से फिर से समझिए ये होलो का मीनिंग क्या है हॉलो का मतलब है जैसे हम कह रहे हैं एक्स लेस देन जीरो पर वन है लेस देन जीरो मतलब इस साइड है और इक्वल टू जीरो कहाँ है इस पॉइंट पर जहां पर हमने होलो सर्किल बनाया है ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है क्योंकि ये बाई एक्सेस है और हमने ये पहली पढ़ रखा है कि बाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है जीरो होता है और इक्वल टू अगर जीरो और होता तब तो ये पॉइंट इंक्लूड होता लेकिन लेस देन जीरो है इसलिए ये पॉइंट यहाँ इंक्लूडेड नहीं है ये हमें याद रखना है और समझना भी है अब इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ तो ये क्लियर हो गया ये y इक्वल टू वन और ये जो लाइन आएगी y इक्वल टू माइनस वन ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है कुछ इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हम कैसे डिफाइन करेंगे अभी हमने देखा कि जो हमने सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया है हमने पहले होता है सिग्नम को हम एस जी एन लिखेंगे इसका मतलब है वन जीरो माइनस वन एक्स पॉजिटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स लेस देन जीरो आप सिग्नम एक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एक्स इज इक्ल टू जीरो अब इसको समझ लीजिए कि इन दोनों में कोई समानता है कि अलग अलग है जब हम कह रहे हैं एक्स पॉजिटिव है पॉजिटिव मैं आप आ, कोई भी वैल्यू रख दीजिए मान लीजिए फाइव रखें फॉर एग्जाम्पल x अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा मान लीजिए फाइव रख दिया आपने तो फाइव अपॉन फाइव वन क्योंकि मॉड फाइव भी फाइव होता है कोई भी नंबर आप रख के देखिए तो ये वन आएगा एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो वन आएगा मतलब एक्स जब पॉजिटिव है क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ हमने इंक्लूड किए हैं एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है मान लीजिए एक्स नेगेटिव ले लें माइनस एक्स सॉरी एग्जाम्पल ले लीजिए माइनस सेवन अपॉन सेवन नेगेटिव लेंगे तो वॉट सेवन भी सेवन आएगा ये भी वन होगा यानी सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है और वो क्या है नेगेटिव के लिए क्या आएगा ये हम फिर से देखते हैं माइनस सेवन अपॉन माइनस सेवन मॉड माइनस सेवन इज माइनस प्लस सेवन और माइनस सेवन ये रह गई तो ये माइनस वन हो गया तो जब एक्स पॉजिटिव है यानी एक्स पॉजिटिव है हम कोई भी नंबर रखें तो मॉड फाइव फाइव है पॉजिटिव बन आएगा और जब एक्स नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रख के देखा तो माइनस है। यानी दोनों ये डेफिनेशन इसमें कवर हो गई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अब रहा एक्स अगर मान लीजिए ये जीरो के लिए भी डिफाइन हो गया होता तो हमें अलग से जीरो रखने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए डिफाइन नहीं है मॉड एक्स अपॉन एक्स आप इसको देखिए जीरो के लिए डिफाइन क्यों नहीं है यहाँ आप लिखेंगे मॉड ज़ीरो अपॉन जीरो जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड इसीलिए हमें अलग से लिखना पड़ा x इक्ल टू जीरो और यहाँ भी इसीलिए x इक्ल टू जीरो अगर ये जीरो के लिए भी डिफाइंड होता तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हम कहते सिग्नम फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है सेपरेटली जीरो लिखने का सिर्फ उद्देश्य है कि ये इतना फंक्शन सफिशेंट नहीं है क्योंकि ये x इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड नहीं था दूसरा ये है अगर हम इसको उलट दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको भी चेक कर लेते हैं मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें x अपॉन मॉड x x नॉट इक्वल टू जीरो और x इज टू जीरो तो आप चेक कर लीजिए सेम थिंग है x इज टू फाइव रखा तो मॉड फाइव अपॉन फाइव वन होता है फाइव मीनस एक्सज पॉजिटिव पहले हम पॉजिटिव के लिए चेक करेंगे तो क्या वन आ रहा है तो फाइव अपॉन मोट फाइव वन ही होगा माइनस के लिए चेक कर लीजिए माइनस फाइव अपॉन मॉड माइनस फाइव ये माइनस वन ही आएगा जीरो के लिए चेक कर लीजिए अलग से दिया हुआ है सो दे आर द सेम थिंग इसका मतलब सिग्नम फंक्शन को हम इन दोनों में से किसी भी तरीके से भी लिख सकते हैं तो जब कभी भी अकेला ये आया हो या ये आया हो इसके साथ ये दोनों मतलब इस तरह से डिफाइंड हो या इस तरह से डिफाइंड हो या इस तरह से डिफाइंड हो सिग्नम फंक्शन का मीनिंग सेम है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो आपके काम आएगा अब एक दो और हम सिग्नम फंक्शन के ले लेते हैं कि एक्स सिग्नम सिग्नम में होता है मैंने एस जी लिखेंगे एक्स एस जी एन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता है ये हमें चेक करना है कि ऐसा होता है अब आप देखिए सिग्नम फंक्शन हमें यहां ध्यान रखना पड़ेगा एस जी एन एक्स दिस इज इक्वल टू वन जीरो माइनस वन एक्स पॉजिटिव एक्स जीरो एक्स नेगेटिव अब एक केस ले लीजिए एक्स पॉजिटिव इसको डिफाइन करते हैं किसको एक्स सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्या आएगा एक्स पॉजिटिव एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव पर सिग्नम एक्स क्या आएगा वन तो ये वन आ गया तो एक्स क्या बचा अकेला एक्स ही बचा जो कि पॉजिटिव है अब मान लीजिए एक्स अगर जीरो है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो जीरो, जीरो इंटू एक्स इज ऑल्सो ज़ीरो और अगर एक्स माइनस वन है तो ये माइनस वन और एक्स भी माइनस वन है तो दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे मतलब अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है क्योंकि हमने एक्स की जगह माइनस वन रखना है माइनस वन रखना है तो सिग्नम ऑफ एक्स इज़ माइनस वन एक्स इज माइनस वन सो माइनस माइनस प्लस तो ये किसकी वैल्यू है एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो x ही आता है तो ये सब किसको डिफाइन करता है मॉड एक्स को तो आप ये कह सकते हैं एक्स सिग्नम एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स ये हमें याद रखने वाली चीजें हैं एक बार चाहें तो आप इसको फिर से समझ लें जब एक्स पॉजिटिव है जब एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम एक्स की वैल्यू वन होगी एक्स पॉजिटिव वन और एक्स तो एक्स ही रहेगा तो एक्स इंटू वन एक्स ही आ गया फिर अगर एक्स नेगेटिव है एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस वन और माइनस एक्स माइनस वन इंटू माइनस माइनस वन नहीं रखना है एक्स नेगेटिव है माइनस एक्स है, तो ये भी पॉजिटिव आ गया और अगर एक्स ज़ीरो है तो सिगनम एक्स क्या होगा एक्स ज़ीरो है तो सिगनम एक्स जीरो है और एक्स भी ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो इसको चाहें तो और अच्छे से यहाँ लिख के भी हम क्लियर कर सकते हैं कि जब हमने एक्स पॉजिटिव रखा है तो x रहेगा और पॉजिटिव मीन्स प्लस वन तो दिस इज इक्वल टू x फिर जब हमने x नेगेटिव रखा तो नीचे की तरफ माइनस एक्स और नेगेटिव के लिए ये माइनस वन होता है तो ये बी एक्स आ गया और जब सिग्नम x जीरो रखा है तो x की जगह जीरो इंटू जीरो ये ज़ीरो आ गया तो ये मॉड x की डेफिनेशन है इसको हम याद रख सकते हैं और समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कभी कभी इस छोटी छी छोटी चीज़ें चीज़, आप ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं आपको समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक और है x mod x sigma x ये कितना होगा ये हमें प्रूव करना है कि ये आप चेक कर लीजिए ये x के बराबर ही होता है तो इसको ले लेते हैं मॉड x सिग्नम x सिग्नम x x पॉजिटिव है x अगर पॉजिटिव है यहां लिखिए x पॉजिटिव है तो सिग्नम x कितना आएगा x पॉजिटिव है तो वन आएगा और x पॉजिटिव है तो x ही आएगा तो दिस इज इक्वल टू एक्स एक्स अगर जीरो है तो एक्स जीरो है तो सिगनम एक्स क्या आएगा? जीरो और एक्स तो जीरो है ही तो जीरो इंटू जीरो दिस इज ऑल्सो जीरो एक्स अगर नेगेटिव है तो सिग्नम एक्स माइनस वन होगा और मॉड ऑफ माइनस वन प्लस वन होता है तो इससे भी क्या आया माइनस एक्स नेगेटिव है ओनली तो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव हो गया और ये माइनस एक्स आ गया तो so, ये जीरो हुआ एक्स इज़ इक्वल टू जीरो पर ये माइनस एक्स एक्स इज़ इक्वल लेस देन जीरो एक्स की तीनों वैल्यूज आ गए एक्स जीरो माइनस एक्स मतलब पॉजिटिव जब एक्स जी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा जब एक्स जीरो है तो ये जीरो रहेगा जब एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा मैंने राइट साइड को आप चेक करेंगे तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया एक्स अगर जीरो है तो ये ज़ीरो हो गया एक्स नेगेटिव है तो जीरो हो गया नेगेटिव uh, है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो दिस इज़ इक्वल टू एक्स दिस इज द सेम एज एक्स इसी तरह से आप एक और मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में ऐसे हो रही आप दिखा, ए, कर लीजिए सिग्नम एक्स इंटू सिग्नम एक्स ये भी एक्स के बराबर है या नहीं ये आप ख़ुद चेक करिए ओरली चेक कर लीजिए एक्स पॉजिटिव है तो वन वन तो एक्स ही आएगा एक्स नेगेटिव है तो माइनस वन इंटू माइनस वन ये प्लस वन हो जाएगा और जब तो एक्स नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा और एक्सिकल्टी जीरो पर जीरो सो रिजल्ट इज द सेम तो इस तरह के सारे बहुत सारे सिग्नम x इंटू सिग्नम x इंटू सिग्नम x अप टू तो इन्फिनीटी वाले भी आप बना के ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड सिग्नम फंक्शन बेटर अब लास्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक चीज और बताना बहुत जरूरी है जो कि इसमें नहीं इंक्लूड हुई थी डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होगा अभी आप एक बार इसको फिर से लिख लें क्योंकि हमें इसका डोमेन और रेंज समझना है तो दिस इज इक्वल टू वन जीरो माइनस वन एक्स पॉजिटिव एक्स जीरो एक्स नेगेटिव तो इससे बहुत क्लियर है डोमेन उन इनपुट वैल्यू डोमेन का मतलब क्या है इनपुट वैल्यू इनपुट वैल्यू क्या होगी एक्स पॉजिटिव भी रख सकते हैं एक्स जीरो भी रख सकते हैं एक्स नेगेटिव भी रख सकते हैं यानी सारी रियल वैल्यूज रख सकते हैं तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ़ एक्स मैंने आर लेकिन आउटपुट हमेशा यही आएगा वन जीरो माइनस वन आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख के देख लें वन आएगी पॉजिटिव वैल्यू रखने से जीरो रखने से हमेशा जीरो आएगा और तो इस तरह से इसका जो रेंज है यही आएगा तीनों नंबर तो इसको रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन ये एक सेट होगा जिसमें तीन वैल्यूज़ होंगी वन जीरो माइनस ये ध्यान रखिएगा ये सेट है अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो ये इंटरवल हो जाएगा क्लोज इंटरवल ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा अगर आपने इसको लिखा तो ये क्लोज्ड इंटरवल ये ओपन इंटरवल ये नहीं लिखना है ये कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे इसका मतलब रेंज ऑफ सिगनम फंक्शन इज ऑलवेज वन जीरो माइनस वन so this is also very important and the last is greatest integer function greatest integer function greatest integer function fx is denoted by x वट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इसमें दो विरोधाभास हैं आप देखेंगे क्या है कंट्रास्ट जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स माने इसमें अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है इससे छोटा 3.5 से छोटा इंटीग्रल पार्ट क्या है थ्री आएगा 4.7 ये फोर हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन अगर लिखें तो इससे छोटा जो इंटी, इंटीजर होगा वो जीरो होगा वन पॉइंट वन इससे छोटा इं, इंटीजर वन होगा अब मान लीजिए माइनस टू पॉइंट फाइव है तो इसको माइनस टू मत लिख दीजिएगा माइनस टू पॉइंट फाइव से छोटा माइनस थ्री माइनस फोर पॉइंट सेवन से छोटा माइनस फाइव अब ये थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूज करता है जल्दी जल्दी में या कोई ध्यान ना देते हुए जैसे हम 4.7 को 4 लिखते हैं तो हो सकता है भाई मिस्टेक माइनस फोर को भी कोई माइनस फोर लिख दे और वो गलत हो जाएगा तो देन हाउ टू रिमेंबर कैसे हम याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू हमें कितनी लिखनी है उसके लिए सबसे बढ़िया है नंबर लाइन अब एक नंबर लाइन बनाइए यहाँ जीरो लिखिए ये वन है ये टू है ये थ्री है इस साइड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन कोई भी नंबर आपको लिख लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल टू पॉइंट सेवन तो पहले लोकेट करिए टू पॉइंट सेवन कहाँ है ये टू और थ्री के बीच में है ये टू पॉइंट सेवन है मान लीजिए ये टू पॉइंट सेवन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे टू पॉइंट सेवन तो हमेशा जो भी आपको लोकेट कर लें तो उसके लेफ्ट साइड में देखिए टू पॉइंट सेवन ये आया टू पॉइंट सेवन तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है टू है तो टू पॉइंट सेवन की वैल्यू टू आएगी मान लीजिए 1.9 है तो 1.9 को कितना लिखेंगे 1.9 पॉइंट कहाँ लोकेट हो रहा है यहाँ लोकेट हो रहा है तो इसके लेफ्ट साइड में ही देखना है तो ये कौन सा इंटीजर है ये वन है अब मान लीजिए माइनस वन पॉइंट एट है माइनस वन पॉइंट एट यहाँ कहीं लोकेट हो रहा है माइनस वन पॉइंट एट तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है माइनस टू हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है अब जो वर्ड इसमें पहले बताया था जिसमें इसका मतलब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू क्यों लिखा है क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ इंटीजर ही है फाइव है तो फाइव आ जाएगा माइनस फाइव है तो माइनस फाइव आ जाएगा इसलिए और इक्वल टू और अगर पॉइंट में है तो आप देखिए उससे पहले कौन सा उससे छोटा या उसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है ग्रेटेस्ट का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1.9 से पहले वाला जो इंटीजर है ये 1 है लेकिन इससे पहले तो और भी ढेर सारे इंटीजर्स हैं तो उन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है 1 है दैट्स वाई इट इज नॉन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स जैसे टू पॉइंट सेवन है उसके ठीक पहले जो इंटीजर है वो टू है लेकिन इसको ग्रेटेस्ट क्यों कहेंगे बिकॉज इट इज ग्रेटेस्ट एमंग ऑल इंटीजर्स लेफ्ट टू इट सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अब इसका ग्राफ हमें समझना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.5 पॉइंट फाइव थ्री अगर आपसे पूछें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई कितना होगा हमें पता है पाई 3.1416 पॉइंट वन फोर वन सिक्स एन सोवन ये वैल्यू होती है तो ये थ्री आएगा लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई दिया है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स एंड सो ऑन सो दिस इज ऑल्सो माइनस थ्री ऐसे छोटा माइनस फोर हो जाएगा तो ये हमें पता होना चाहिए अब इसका ग्राफ बनाएंगे फिर डोमेन और रेंज भी लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ग्राफ मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर वन टू थ्री फोर सिमलर लियार वन टू थ्री फोर यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज ऑल्सो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड दीज आर वन टू थ्री फोर दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज बाई एक्सेस अब पहले हम देखें वन और टू के बीच में ग्राफ की पोजीशन क्या होगी वन और टू के बीच में जो नंबर्स होंगे 1.1, 1.2, 1.3 इन सब की वैल्यू क्या होगी जैसे फंक्शन ले लिया बाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो अगर एक्स वन है तो ये वन आ जाएगा एक्स वन है तो वाई भी वन आया। यानी एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है लेकिन एक्स इक्वल टू वन पॉइंट वन से लेके वन पॉइंट नाइन ऐसे पहले भी वन पॉइंट जीरो वन एंड सो ऑन उन सारे नंबर्स के लिए एक्स वन पॉइंट वन के लिए भी वन है वन पॉइंट टू के लिए भी टू वन है और 1.3 के लिए भी 1 है तो यहाँ जितने भी नंबर हैं इनके लिए सबके लिए 1 है लेकिन जैसे ही ये 2 होता है तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है जब 2 है तो ये 2 पर पहुँच जाता है यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टू यहां इंक्लूडेड नहीं है इसलिए इसको हमें हॉलो दिखाना होगा हॉलो का मतलब है कि टू यहां इंक्लूडेड नहीं है अब आप यह भी कह सकते हैं कि अगर टू से आगे लें टू पॉइंट वन बी टू टू पॉइंट टू टू एंड सो ऑन टू पॉइंट नाइन या टू पॉइंट नाइन नाइन ये सारे टू होंगे लेकिन जैसे ही हम थ्री करते हैं तो ये थ्री हो जाता है यानी टू से आप चलेंगे और जितना भी आगे बढ़ें थी थ्री तक आप जा सकते हैं तो बाई ये सब बाई हैं y की वैल्यू एक्स जब हमने ये इनपुट किया है तो आउटपुट यहाँ टू आ रहा है लेकिन जैसे ही थ्री होता है ये थ्री हो जाता है तो थ्री होने से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ आएगा ये थ्री पर तो ऊपर आएगा यहाँ नहीं आएगा यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ हमें हॉलो बनाना पड़ेगा इसका सीधा सा मतलब ये पॉइंट यहाँ इंक्लूडेड नहीं है एंड सिमिलरली आप ग्राफ अगर यहाँ से खींचते हैं तो वही बात फोर तक आएगी ऐसे स्टेप्स बनते जाएंगे इसी तरह से आप माइनस वन ले के देख लीजिए एक इनके बीच में भी ले लें पॉइंट नाइन है जैसे पॉइंट नाइन कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन कितना आएगा जीरो ये सारी y की वैल्यूज़ हैं पॉइंट वन पॉइंट पॉइंट नाइन 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 कितना आएगा जीरो यानी यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स और वन होते ही ये यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट यहाँ नहीं है तो इसका ग्राफ ये होगा वन यहाँ इंक्लूडेड नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ भी होलो दिखाना पड़ेगा होलो का मतलब है कि यहाँ जब x इक्वल टू वन है जब x इक्वल टू वन है तो y भी वन आएगा तो वो यहाँ आ जाता है यानी यहाँ नहीं है तो ये भी एक होलो पॉइंट आ गया और इसी तरह से आप माइनस वन के लिए चलेंगे अगर पॉइंट नाइन या कुछ भी लेते हैं तो माइनस वन के लिए तो यह सीधा सीधा माइनस वन यहाँ आएगा और इसका ग्राफ आपको यहाँ आ जाएगा माइनस वन जीरो में इंक्लूडेड नहीं है यहाँ इंक्लूडेड नहीं है और फिर यहाँ लेंगे इस साइड से आएगा वन टू टू है और टू टू थ्री टू टू थ्री थ्री पर क्या आएगा माइनस थ्री पर माइनस थ्री आएगा ये इस तरह से और ये ग्राफ आपका एंडसोन so ये स्टेप्स बनते जाएंगे इसलिए कई बार इसको स्टेप्स फंक्शन भी कहते हैं स्टेप्स फंक्शन ये इसका ग्राफ है नेगेटिव में एक दो पॉइंट्स और लेके आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो ग्राफ खींचने में जैसे हम माइनस वन और माइनस टू के बीच में खींचना चाहें तो माइनस वन पॉइंट वन क्या होगा इसके लेफ्ट साइड में माइनस टू होता है माइनस वन पॉइंट नाइन क्या होगा ये भी माइनस होगा तो इसीलिए जैसे ही हमने ये वाई की वैल्यूज़ हैं यानी वाई जब माइनस वन पॉइंट वन है वाई और एक्स जब माइनस वन पॉइंट वन है यहाँ है तो वाई माइनस टू है तो इसलिए ये सारे इस साइड आए हैं और जब माइनस वन से कम है जैसे मान लीजिए पॉइंट नाइन है माइनस में तो पॉइंट नाइन रखने से ये जीरो आ रहा है सॉरी माइनस वन आ रहा है तो पॉइंट नाइन मतलब वन से कम जितने भी हैं वो इधर आ जाएंगे तो इसलिए ग्राफ ये आया माइनस वन के बाद कुछ भी रखते हैं तो ये माइनस टू पर आएगा माइनस वन यहाँ इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हमने यहाँ सर्किल लगाया तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा नंबर कहाँ इंक्लूडेड नहीं है सो दिस इज़ स्टेप फंक्शन और दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज भी आप इसकी लिख सकते हैं जो कई बार आपको हेल्प करेंगे, जैसे पहले तो हम इसका लिख रहे हैं डोमेन डोमेन क्या है अभी आपने जो ग्राफ बनाया था उसमें आपने देखा कि सारी रियल वैल्यूज आप इसमें रख सकते हैं ये वन है यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है इस तरह का ग्राफ है और ये यह यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है लाइक like दिस तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे आउटपुट हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज़ आएगा जैसे 1.1 रखा तब भी वन आया 2.3 रखा तो टू तो यहाँ जो आउटपुट आ रहा है इनपुट क्या है इनपुट हमने रखा है रियल वैल्यूज़ कोई भी रियल वैल्यूज़ रख के देख लीजिए आउटपुट इंटीजर्स आएंगे वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा तो डोमेन क्या लाएगा आर ऑल रियल वैल्यूज पर रेंज क्या क्या लाएगा रेंज ओनली इंटीग्रल वैल्यूज इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स जेट क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स तो इस तरह से इसका डोमेन और रेंज डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आर एंड रेंज इज चेट कई बार कुछ क्वेश्चन से मैंने देखा वो डबल इस तरह का लिख देते हैं इसका क्या मीनिंग है सेम थिंग करके देख लीजिए मान लीजिए टू पॉइंट थ्री लिखा है अंदर तो टू पॉइंट थ्री कितना आएगा ये टू पॉइंट थ्री टी हो जाएगा और टू भी टू के बराबर ही है यहां भी लिखा होता अगर 2.3 डायरेक्ट तो भी वो 2 ही आता सो दे आर द सेम थिंग वन थिंग मोर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर इस तरह से लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम वेरीफाई करेंगे जैसे एक्स ले लीजिए फोर पॉइंट थ्री और जेड ले लीजिए जेड इंटीजर है माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी एक्स हो गया फोर पॉइंट थ्री और जेड हो गया फाइव तो लेफ्ट हैंड साइड आया नाइन पॉइंट थ्री और नाइन पॉइंट थ्री को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नाइन पॉइंट थ्री विल वी इक्वल टू नाइन क्योंकि इंटीजर इससे छोटा इंटीजर 9.3 से 9 ही होगा राइट साइड ले लें तो राइट right साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस जेड एक्स हमने कितना लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.3 और z लिया था 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस फाइव और दिस इज 9. तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि दिस हैपेंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एक लास्ट रिजल्ट और लिख लेते हैं वो भी काम आएगा आपके जस्ट जितने ज़्यादा आप इस तरह के डिस्कशंस और क्वेश्चंस करेंगे क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा एक्स माइनस वन लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स वैसे तो जो हमने ग्राफ बनाया था उससे भी हम क्लियर कर सकते थे लेकिन अब चूंकि ग्राफ नहीं है तो डायरेक्ट इनपुट वैल्यू से रखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट वन तो एक्स माइनस वन कितना आएगा टू पॉइंट वन माइनस वन वन पॉइंट वन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना आया टू पॉइंट वन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज टू और एक्स तो है ही 2.1 तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स माइनस वन आया 1.1 पॉइंट वन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आई है 2 और x की वैल्यू तो 2.1 थी तो क्लियरली दिस इज 1.1 पॉइंट वन लेस देन टू बट टू इज लेस देन टू पॉइंट वन इक्वल टू इसलिए लिखा है कि अगर हम जीरो लेते मान लीजिए एक्स इक्ल टू जीरो ले लें तो जीरो माइनस वन माइनस वन आता है यहाँ और एक्स ज़ीरो हो जाता तो माइनस वन इज लेस देन जीरो और यहाँ भी जीरो होता तो लेस देन एंड इक्वल टू तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाता सो दिस द सेम थिंग एंड दिस फिनिश मॉडुलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ एल्ज्यावरिक फंक्शंस और उसमें एल्ज्या्रिक फंक्शंस में हम इंक्लूड इन फंक्शंस को भी करेंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर है छोटा सा जैसे वो बना देंगे कुछ भी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस मॉट फंक्शन डिवाइडेड बाई मॉट फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी डोमेन एंड रेंज बताइए या इस तरह के कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो फिर आप इजीली डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ एल्ज्रिक फंक्शंस दिस विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी को अगर दबाएंगे तो आपके पास वीडियो रेगुलरली पहुँचेगा मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और पसंद करेंगे इट विल इंक्रीज़ योर नॉलेज अबाउट मॉडल फंक्शन सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट फंक्शन थैंक यू वेरी मच